देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सुनसी न्यूज चैनल में विशाल पटेल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं और सीतापुर से दिखाते हैं पुनीत यादव की यह बड़ी खबर। सीतापुर क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीतापुर पुलिस अधीक्षक किलर कुमार के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी कुशल नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम द्वारा लगातार छापेमारी कर व चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपको बता चले यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली और एक्साइज टीम के लिए बड़ी सफलता मिली है। ये लगातार अभियान हमारा अवैध शराब और मिलावटी शराब का अभियान अभी लगातार चल रही थे, उसमें अभी एक 5 प्लस एक सदस्य वो मेन सप्लायर है, उनका एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, ये बाहर से थिनर मंगाते थे और उसको मिक्स कर कलर कर देशी शराब के टेक में इसके अलग से दिखवाते थे। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हुआ। इसका मेन सप्लाई करने वाला कानपुर का है, उसमें अभी टीम लगी हुई है। इसके अलावा इनको अभी इन्वेस्टिगेशन में मुकदमा लेकर जेल भेजा जा रहा है, आगे इनके पुलिस रिमांड लेकर इसके बारे में पता किया जाएगा। मतलब सर, पहले भी भारी मात्रा में सीतापुर में शराब बरामद हो चुकी है, लेकिन छोटे कैरियर ही हाथ आते हैं पुलिस के, बड़े लोगों तक कैसे पुलिस पहुँचेगी? ये लगातार हमारा अभियान पूरा साल लगातार चल रही है, कितना भी इनपुट्स मिल रही है, कहाँ कहाँ ये मोड़ा से ब्रांडी अलग अलग कर भेज रहे हैं, सारे के ऊपर निगरानी है और कितना भी बड़े नेटवर्क का भी उसका तोड़ने का प्रयास में हम लोग हैं। और इसमें अच्छे सफलता सीओ क्राइम यूनिट और एक्साइज टीम को मिली है, इसको इसी को एक बेंचमार्क लेते हुए आगे भी जाकर कितना भी ऐसे काम कर रहे हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता।